الكلية سالي سوام في تمام طلبة وطالبات हमने मैंने दो लेक्चर ला दिए एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन तो लेक्चर ला दिया आज के इस लेक्चर में हम परिचय नंबर 9 इंशाया में जो इंशाया शामिल निसाब है वो है जुनून लतीफा और इसके मुसन्निफ है मुश्ताक अहमद यूसुफी। देखिए ये जो इंशाया है जुनूने लतीफा मुश्ताक अहमद यूसुफी तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमने सुना है फुनूने लतीफा लेकिन यहाँ जुनून लतीफ़ा ये सबक का नाम ही हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये जो इशाया है वो क्या है मिजाह पर मुनासिर है यानी थोड़ा हंसी मजाक के साथ तंज के साथ ये इशाया पेश किया गया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के वाक़ियात के ज़रिए हमें मिज़ा निगारी का लुत्फ यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले हमें जो आज के इस लेक्चर में देखना है वो ये देखना है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी का तआरुफ़ क्योंकि इसमें एक सवाल ये भी आ सकता है के जो इंशाया निगार है किसी एक इंशाया निगार के इंशाया निगारी पर सवाल हो सकता है तो उसके साथ साथ जो इंशाया निगार है उसकी इब्तदाई ज़िंदगी उनकी खिदमात अदबी खिदमात का ज़िक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है जिसके लिए इस लेक्चर में हम सिर्फ मुश्ताक अहमद यूसुफी का तारुफ़ तफसीली तौर पर देखेंगे उनकी अदबी खिदमात का हम जायज़ा लेंगे ताकि हमें इस लिखने वाले यानी मुसन्निफ़ के बारे में तमाम मालूमात हासिल हो सके। तो देखिए मुश्ताक अहमद यूसुफी इनकी पैदाइश 4 सितंबर 1979 में 4 सितंबर 1923 ईस्वी में इनकी पैदाइश है। कहाँ पर टोंक में ये अंग्रेजी दौर की बात है और इनकी वफात जो है 20 जून 2018 को इनका इंतकाल हुआ मतलब तकरीबन 95 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ है। काफ़ी तवील इनकी उम्र रही है। इनका इंतकाल कराची जो पाकिस्तान में वाक़े है यहाँ पर उनका इंतकाल हुआ। तो मुश्ताक अहमद यूसुफी जो है उर्दू के एक बहुत बड़े इंशाया निगार तंज व मिज़ा निगार के तौर पर माने जाते हैं। ये 4 सितंबर 1923 ईस्वी में टोंक में पैदा हुए और इनका इंतकाल 20 जून 2018 ईस्वी को कराची में हुआ यानी अभी ये 5 साल पहले। इन्हें बरतानवी शोहरत भी मिली थी 1923 से 1950 तक बरतानवी हिंद में और बाद में पाकिस्तान में
ये वहाँ रहने लगे, वहाँ की शोहरत हासिल हो चुकी थी। उर्दू के भारतीय नज़ाद पाकिस्तानी मिजा निगार है। इनकी विलादत तब के हिंदुस्तान और इस वक्त के भारत में हुई, मगर इन्होंने बतौर मिजा निगार खुद को पाकिस्तानी कहलवाना ज़्यादा पसंद किया और तकसीम हिंद के बाद भारत को जो नुकसान हुआ इनमें मुश्ताक अहमद यूसुफी का हिजरत कर जाना भी है। यूसुफी बहुत से कौमी और बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों के सदर भी रहे। देखिए याद रखिए हिंदुस्तान के गुजरात इलाके में ही रहा करते थे, लेकिन जब 1947 का तकसीम हिंद का वाक़या पेश आया तो इन्होंने भी इस यहाँ के नुकसान से हालात की वजह से हिजरत कर लिए और वहाँ पर रहने लगे। और ये ख़ासकर तंज व मिज़ा निगारी को ज़्यादा अहमियत देने लगे। उर्दू के इस सिंफ में, इस मुख्तलिफ असनाफ में उन्होंने तंज व मिज़ा के ज़रिए अपना एक आला और ऊंचा मरतबा हासिल किया। सन 1999 में हुकूमत पाकिस्तानी की जानिब से इन्हें सितारे इम्तियाज़ मिला। उनके अवार्ड में कौन सा नाम है? सितारे इम्तियाज़। ये वहाँ के अपने अवार्ड्स हैं जो इल्मी और अदबी खिदमात के नतीजे में हासिल होता है। फिर सन 2002 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी एजाज निशाने इम्तियाज। ये वहाँ का अहम एक अवार्ड है जो 2002 ईस्वी में इन्हें दिया गया। पहला जो मिला है वो 1999 में सितारे इम्तियाज और 2002 में निशाने इम्तियाज, इस नाम से अवार्ड दिया गया। मुश्ताक अहमद यूसुफी बड़े नस्तालिक इंसान थे, अवामी और ताल्लुकाते आमा के आदमी नहीं थे। वो लिखते कम थे लेकिन मियार पर नज़र रखते थे। इनकी अगर तफसीली अगर हम बात करें बचपन की ताल्लुक से, तो खासकर जहन में रखिए कि हिंदुस्तान के शहर जयपुर में एक तालीम याफ्ता ख़ानदान में पैदा होने की वजह से इन्हें अदबी ज़ौक़ जो है वो विरसे में मिला था। इनके वालिद का नाम अब्दुल करीम ख़ान यूसुफी था। जयपुर बल्दिया के वो सदर नशीन थे और बाद में जयपुर खानों सास असम्बली के स्पीकर भी मुकर्रर हुए, जिसकी वजह से वो सियासत में भी एक अहम माने जाते थे। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने राजपुताना में अपनी तालीम इब्तदाई तालीम मुकम्मल की। देखिए पहले जैसा जिस तरीके से आज मराठवाड़ा है, विदर्भ है, ये जो हिस्से अलग अलग बने हुए हैं उसी तरीके से एक हिस्सा ऐसा सूबा हुआ करता था जिसको राजपुताना कहा जाता था। तो इनकी इब्तदाई तालीम उस हिस्से में हुई और बीए की डिग्री हासिल की। बाद एजा आगरा यूनिवर्सिटी से फलसफे में एमए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री ली, यानी वो वकालत भी किए और फलसफे में एमए भी पास किया है। तकसीम हिंद और ख़याम पाकिस्तान के बाद इनका ख़ानदान सरहद पार के शहर कराची में मुंतकिल हो गया। वो सन 1950 में मुस्लिम कमर्शियल बैंक से मुतालिक हुए और डिप्टी जनरल मैनेजर के अहदे पर फायज हुए। सन 1965 में एलाइडो बैंक में बहैसियत मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर हुए। सन 1974 में यूनाइटेड बैंक के सदर और 1977 में पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के सदर नशीन बने। बैंककारी के शोबे में इनकी गैर मामूली खिदमात पर इन्हें कायदे आज़म मेमोरियल तमगा अता हुआ।
देखिए बात, वो बैंकिंग सिस्टम से 1950 से जो तो जुड़ गए वहाँ, तो वहाँ से मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की करते करते वो तो डायरेक्टर की भी पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान काउंसिल की भी जो बैंकिंग काउंसिल है उसके सदर भी बने, जिसकी वजह से उन्हें कायद आज़म मेमोरियल भी तमगा उन्हें दिया गया। मतलब ये है कि ये अदबी सियासी और मुख्तलिफ ये बैंकिंग के शोबे में भी काफ़ी माहिर रहे और इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इतनी मसरूफियात के बावजूद इतने बड़े बड़े ओहदे पर फायज रहने के बावजूद अदबी दिलचस्पी कम ना हुई और बिल्कुल अपने वही तंज व मिजाह के ज़रिए उर्दू अदब में एक अपना आला मुकाम उन्होंने बनाया है। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने बहुत सारे बातें कही है, बहुत सारे असनाफ में तबा आजमाई भी की है, लेकिन उन्होंने खुद नोस्त जो खुद पर भी लिखा है, उन्होंने दूसरों के साथ खुद को भी नहीं बख्शा। चुनाचे चिराग तले के मुकदमे में खुद का तारुफ यूँ करवाते हैं कि कहा गया है कि ख़ानदान शौक उससे पेशे आबा सिपागिरी के सिवा कुछ सब कुछ रहा है, या मतलब ये है कि सब कुछ से सिर्फ सिपागिरी के सिवा, तो फौज में रहने का एक यही भी चीज़ नहीं रही, बाकी सब जितने भी डिपार्टमेंट है जितने भी महकमे हैं सब में किसी ना किसी तरीके से उनके आबो अजदाद उसमें शामिल रहे। जब उनकी तारीख पैदाइश के ताल्लुक से वो इस तरीके से तंज में कहते हैं, उम्र के इस मंजिल पर आ पहुंचा हूं कि अगर कोई सने विलादत पूछ बैठे तो इसे फ़ोन नंबर बताकर बातों में लगा लेता हूं, और ये मंजिल भी अजीब है। बखौल साहब कशकोल एक वक्त था कि हमारा तारुफ बहू बेटी किस्म की खातिन से इस तरह कराया जाता था कि फ़ला के बेटे हैं फ़ला के भांजे हैं, और अब ये ज़माना आ गया है कि फ़ला के बाप है और फ़ला के मामू। उमर रसीदा पेश रो ज़बान हाल से कह रहे हैं कि इसके आगे मकामात आह व फ़ख़ा और भी है। इस तरीके से बहुत ही प्यारे अंदाज से वो खुद का तारुफ भी बताते हैं। फिर कोई पूछते हैं पेशे हैं तो पेशा भी इस तरीके से वो कहते हैं, गो के यूनिवर्सिटी के इम्तहानों में अव्वल आया लेकिन स्कूल में हिसाब से कोई तबई मुनासिबत ना दी, और हिसाब में फेल होने को एक उम्र होने को एक अरसे तक अपने मुसलमान होने की आसमानी दलील समझता रहा, अब वही जरिए माश है। हिसाब किताब में उसूलन 2 और 2 का 4 का कायल हूँ, मगर ताजिरों की दिल से इज्जत करता हूँ कि बड़े खुश उसलूबी से 2 और 2 को 5 कर देते हैं। देखिए बिल्कुल एकदम तंज एकदम मिजाज की निगारी में एकदम हंसी मजाक में वो अपने पेशे को भी बता देते हैं कि भाई स्कूल में हमारा जो सब्जेक्ट में सबसे कम रहा जिससे बहुत ज़्यादा दूर भागता था यानी हिसाब, आज वही मेरा क्या है जरिए माश है। क्यों? तो वो ज़्यादा की क्या है बैंक में रहे और बैंक में हर एक को पता है कि उसमें हिसाब मैथ्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना ज़रूरी होता है। तो यही बात बता रहे हैं कि वक्त ऐसा भी आता है कि अगर उम्र के ताल्लुक से कहा जाए तो पहले कहते थे कि फला का बेटा है बेटा है, यानी वो बचपन की जब उम्र है, और जब कह रहे हैं कि अब तो हम इसमें आ गए हैं कि फला का बाप है, यानी वक्त और इसको इस तरीके से तंज और मिजाह के ज़रिए अपने ख्याल को पेश करें। ख़त अगर पूछा जाए कि भाई ख़त कितनी है तो कहते थे कि 5 फुट 6.5 इंच जूते पहने कर, इसको क्या है 5 फुट 6 इंच वो भी जूते पहनकर इतनी हाइट होती है, और वज़न अगर कोई पूछ लेता तो इस अंदाज में प्यारे अंदाज में कहते ओवरकोट पहनकर भी दुबला दिखाई देता हूँ, अरसे से मिसाली सेहत रखता हूँ इस लिहाज से कि जब लोगों को कराची की आबो हवा को बुरा साबित करना मकसूद हो तो इत्माम हुज्जत के लिए मेरी मिसाल देते हैं। देखिए इतने प्यारे अंदाज से वो अपने वज़न के ताल्लुक से कहते हैं कि जब भी अगर कराची की आबो हवा का जिक्र किया और उसको क्या है अगर ख़राब बताना है तो कह रहे हैं कि मेरी तरफ इशारा कर देते हैं लोग।
जसामत अगर कहा जाए तो यूँ कहते हैं कि यूँ सांस रोक लूँ तो 8-3 इंच की बनियान भी पहन सकता हूँ, और बड़े लड़के के जूते का नंबर 7 है जो मुझे भी फिट आता है। खैर, उनके मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने अपने खुद का तारुफ भी पेश किया है, जिस तरह से वो दूसरों पर मिजा निगार के जरिए तंज करते थे, उनका मजाक भी है करते थे, और उनकी काबिलियत और उनकी सलाहियतों को बताते थे, उसी तरीके से वो खुद को भी नहीं बख्शे और खुद पर भी इसी तरीके से तारुफ भी पेश किया गया है। तो खैर, ये बहुत बड़ी बात थी। तो अगर उनके अदबी काम का हम जब मुताला करते हैं कि भाई इन्होंने अदब में क्या काम, तो कहा गया है कि चराग़ तले 1961 इसमें छपी, और खातिम विधान 1959 में 69 में, जबकि जर गुज़िश्त 1976 में, और इन तीन किताबों के ज़रिए उन्होंने शगुफ्ता नसर निगारी का जो आला मियार कायम किया, इसका नमूना दूर दूर तक कहीं और नहीं मिलता। याद रखिए, देखिए ये इसके अवार्ड्स हैं जो उन्हें उनकी ये अदबी खिदमत पर मिला है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से अदबी खिदमत और अंजाम दिए, तो उनकी तीन किताबों के नाम आए हैं। एक है चिराग तले, दूसरा है फातिमे बदहन, और जबकि तीसरा है ज़रगुज़िश्त। ये तीन उनके अदबी मजमूए हैं। पहला जो है वो 1961 ईस्वी में छपा, दूसरा 1969 मतलब 8 साल के बाद, और जो तीसरा है वो 1976 ईस्वी में यानी 7 साल के बाद। ये तीन किताबें इस तरीके से तरतीब से छपते गए, और इसमें वो बातें बेहतर रही। आबे गुम एक किताब जो शाये हुई है वो 1990 में, जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। आबे गुम ये ऐसी किताबें थी जिनके वसीले से यूसुफ साहब और उर्दू अदब का एक मुस्तकिल बाब हो चुके थे। एक और किताब भी आई थी यूसुफी साहब की, शाम शहर यारा, ये किताब 2014 में मंजर आम पर आई, जो इनकी मुतफर्रिक एक तहरीरों को जहां तहां से जमा करके मुरत्तब की कर ली गई थी। शाम शहर यारा जब शाई हुई तो इनके मदाहों को इससे मायूसी हुई, क्योंकि इनके शायखीन के सामने इनका साबिका मियार था जिसके वो नई किताब में मुंतज़िर थे। शाम शहर यारा यूसुफ के मानूस उसलूब के मियार पर नहीं उतरी थी। दरअसल ये आखिरी किताब इनके मजामीन और बास तकरीरों का मजमुआ है। देखिए, आखिरी जो किताब आपने दिन के बाद जो उनकी छपी वो है में शहर यारा। ये तमाम जो पहले की जो किताबें थी उसमें मुनफरिद अंदाज से मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अपने उसलूब से लोगों के दिल जीत लिए थे, और मुख्तलिफ तहरीरें मुख्तलिफ बातें इसमें नई चीज़ें इसमें शामिल थी, जिसकी वजह से लोग एक किताब छपने के बाद दूसरी किताब के मुंतजर हुआ करते थे, इंतज़ार करते थे। लेकिन जब ये चार किताबें इसी तरीके से मशहूर व मारूफ हुई, लोगों को इनका मियार समझ में आया कि किस तरीके से ये लोग ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का उसलूब इतना प्यारा है, वो उसकी गुरविदा हुए। लेकिन जब पांचवी किताब का जब उन्हें इंतज़ार हुआ, तो जब ये किताब वो आई उनके हाथों में, तो वो थोड़ा मायूस हुए। क्यों तो इसमें कुछ नया नहीं था, बल्कि कहा गया कि उनकी कुछ पुराने इसी किताब में के कुछ इंतखाबात, कुछ अच्छी बातें, अच्छे जो चीज़ें वही चीज़ों की नकल यहाँ की गई थी, और इसके अलावा जो उन्होंने मुख्तलिफ जल्सों में मुख्तलिफ जगहों पर तकरीरें की थी उसका शुमार इसमें था, जिसकी वजह से मुश्ताक अहमद यूसुफी के खारेन बहुत ज़्यादा क्या हो गए, इसमें थोड़ा मायूस हो गए।
किताब के बारे में जब बात की जाए तो मुख्तलिफ तरीक़े से इनके ख्याल आते हैं, जिसमें एक जफर सैयद जो BBC उर्दू में लिखते हैं तो उन्होंने लिखा था कि किताब आने से पहले सोचते थे कि इसमें यूसुफी साहब के शायद आपे गुम के फलक बोस म्यार को एक बार फिर छूने में मुश्किल आएगी। मतलब इतना ज़्यादा उसमें म्यारी बातें कही गई थी कि एक आम से खारी को उस म्यार तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो चुका था। कि भाई वो बातों बातों में एक चीज़ कहते थे लेकिन उसका मकसद और उसका जो म्यार होता था बहुत ऊंचा होता था, जो एक आम पढ़ने वालों के लिए बहुत मुश्किल था। ये जो वाकई जिनका मुताला वसी था, गहरा तजुर्बा था, वो ही उन बातों को समझ सकते थे। तो इसमें भी उम्मीद थी लोगों को कि भाई इसमें भी वही बातें होगी, लेकिन कह रहे हैं कि इसमें वैसी बात नहीं थी। लेकिन इनके खुश फहम के एक गोशे में ये किरण भी पनपती रही कि 25 साल बाद किताब ला रहे हैं तो क्या पता इसमें क्या चमत्कार दिखाएंगे। यानी ये 1990 के बाद जब 2014 में ये बात आई, शाम शहरियारा 2014 में आई, तो पूरे 25 साल हो चुके थे। तो बुखारी को लगा कि इतने साल के बाद कोई नई किताब आ रही है तो वाकई इसमें बहुत ज़्यादा क्या होगी, नई चीज़ें होगी, बहुत आला म्यार होगा इसका, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या है इससे उम्मीदें वाबस्ता कर लिए थे। लेकिन कह रहे हैं कि लोगों को इससे मायूसी हुई। खैर, उनके कुछ अहम अखबार अगर बात की जाए, क्योंकि उनके अखबार बहुत कीमती है और बहुत ज़्यादा तंज़ो मिजाज से पुर होते हैं, तो हम भी थोड़े उनके कुछ जुमले यहाँ कुछ अखबार देख लेते हैं जो उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ में मुख्तलिफ जगहों पर लिखे हैं। लेकिन उनके अंदाज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ अखबार देख लेते हैं, ताकि हमें जुनून लतीफ़ा पढ़ने में इनके म्यार के मुताबिक जाने के तैयार होने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कह रहा है कि बहुत सारी जगह उन्होंने कुछ अखबार दर्ज किए हैं, जिसमें लिखा है कि एक जगह लिखते हैं कि इधर कुछ माह कबल एक शोक चंचल लड़की हमें मिली, आधे पौन घंटे की गुफ्तगू के बाद कहने लगी कि यूसुफी साहब, बातचीत में तो आप बिल्कुल ठीक ठाक है मगर तहरीर में बिल्कुल उल्टे लगते। एक जगह कहते हैं कि किसी ने लड़की ने पूछा कि अपनी कंपनी एंजॉय करने के लिए क्या करना चाहिए, तो जवाब दिए कि बोले ऐसे दोस्त बनाइए और ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको सोचने की तहरीक दे। लड़की बोली, और अगर ऐसे दोस्त ना हो तो ऐसी हालत में आम तौर से लड़कियां शादी कर देती हैं। देखिए कितने प्यार इसमें ये कहे कि भाई ऐसी जब चीज़ें ना हो, भाई इन्होंने कहा है कि कंपनी इंजॉय करने में कैसा कर लेंगे, तो दोस्त अहबाब अच्छे बनाओ कि भाई हमें कुछ अच्छा करने की तहरीक दे। तो लड़की ने कहा कि भाई अगर ऐसे नहीं मिले तो क्या करना चाहिए, उन्होंने फ़ौरन कहा कि शादी कर लेना चाहिए जिससे आपकी ये चीज़ें इंजॉय करने की हो जाएंगी। बाज़ जगह लिखते हैं कि बाज़ मर्दों को इश्क में महज इसलिए सदमा और जिल्लत उठानी पड़ती है कि मोहब्बत अंधी होती है, का मतलब ये समझ बैठे कि शायद औरत भी अंधी होती है। देखिए दो बहुत सारे जब जनरली कहा जाता है कि मोहब्बत अंधी होती है, ये जुमला अक्सर कहा जाता है, लेकिन इसकी जो बातें और अंजाम होती है ये बाद में ही समझ में आता है। तो वो कह रहे हैं कि बाद में समझ में आता है कि भाई अंधी नहीं होती है। फिर एक जगह कौल है उनका कि मर्द की आँख और औरत की जबान का दम सबसे आखिर में निकलता है। देखिए मर्द की आँख और औरत की जबान कदम सबसे आखिर में निकलता है। और देखिए जल्द से जल्द हम देख लेते हैं अखबार कुछ। वो चचा से फूफा बने और फूफा से खुसरुल हुजर। एक जुमला लिखते हैं कि पाकिस्तान के अफवाहों की सबसे बड़ी खराबी ये है कि सच निकलती है। एक जगह लिखते हैं कि मुसलमान किसी ऐसे जानवर को मोहब्बत से नहीं पालते जिससे वो जुबा करके खा ना सके। आदमी एक बार प्रोफेसर हो जाए तो उम्र भर प्रोफेसर ही रहता है, ख्वाह बाद में समझदारी की बातें ही क्यों ना करने लगे। सर्दी ज़्यादा और लिहाफ पतला हो तो गरीब गुरबा मिनटों के अफसाने पढ़कर सो जाते हैं। इंसान वाहिद हैवान है जो अपना जहर दिल में रखता है।
एक जगह लिखते हैं कि मेरा ताल्लुक तो इस भोली भाली नस्ल से रहा है जो खलूस दिल से समझती है कि बच्चे बुजुर्गों की दुआ से पैदा होती है। एक जगह लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह भरी जवानी में भी हमारा हाल और हुलिया ऐसा नहीं रहा कि किसी खातून के ईमान में खलल वाक़े हो। खैर बहुत सारे ऐसे उनके अहवाल है जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर कहा है और जो वाकई बहुत बड़े एजाज़ की बात है। खैर तो मुश्ताक अहमद यूसुफी एक बहुत बड़े तंज व रज़ा निगार और इंशाया निगार है। उन्होंने अदब में बहुत सारे काम किए हैं। इनके जुमले इतने उनके वसी मुताले और उनके तंज व रज़ा निगारी के उमदा नमूने होते हैं। हम अब इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। बिल आखिर इस अजीम शख्सियत ने 20 जून 2018 को कराची में वफात हुई। कुल 94 साल की उम्र पाई। 20 जून को सुल्तान मस्जिद कराची में नमाज जनाजे के बाद इनको सुपुर्द खाक कर दिया गया, यानी 94 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। और उन्होंने इतने सालों में बहुत ही प्यारा और बहुत ही उमदा अपने अदबी के काम को अंजाम दिया है और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने अदब की खिदमत अंजाम दी। यकीनन जब हम इनका इंशाया जुनून लतीफ़ा पढ़ेंगे तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्सियत और उनके जुमले जो एक एक जुमला जो है वो काफ़ी बड़ा मजबूत और म्यारी है। म्यार के साथ साथ हमें इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा। क्यों? तो ये तर्ज व मिज़ा के बहुत बड़े अदीब थे। अगले इसमें हम इनका इंशाया जुनून लतीफ़ा पढ़ेंगे।